हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड की। गेस्टेशन पीरियड ये टॉपिक आपको क्लास टेंथ में मिल जाएगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में, और उसके अलावा आपको क्लास ट्वेल्थ में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास टेंथ के लिए और ट्वेल्थ के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होता है गेस्टेशन पीरियड? It is a period in which the embryonic development in the uterus starting from implantation up to birth of a child is called gestation period. तो gestation period जो होता है एक क्या होता है, समय होता है। जब क्या होता है, जब कोई pregnant woman होती है तो क्या होता है, embryo का development होता है वुमेन की uterus में, और वहाँ पर implantation हो जाता है, यानी जो भी embryo develop हुआ है वो मदर की यूटरिन वॉल से अटैच होकर वहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता रहता है। तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो हम कह सकते हैं कि 280 डेज का होता है। अगर वीक में पूछा जाता है तो कह सकते हैं 40 वीक का होता है, और मंथ में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। तो नॉर्मली वैसे कहा जाता है कि 4% जो वुमेन होती हैं उनका जो गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 280 डेज़ का ही होता है, बाकी लोगों का जो है विद इन 280 डेज़ के पहले जो है ये डिलीवरी हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए गेस्टेशन पीरियड क्या है तो आप बता दिए, गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, मदर की यूटरिन वॉल में एम्ब्रियो अटैच रहता है, वहीं पर उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये पूरा टाइम जो डेवलप होने में लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोल देते हैं। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। डेज में पूछा जाए तो 280 डेज, मंथ में पूछा जाए तो 9 मंथ, वीक में पूछा जाए तो 40 वीक्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।